सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लाए हैं 1,25,000 के अराउंड का पीसी का बिल्ड, जिसमें हमने लगाया है ग्राफिक्स कार्ड आपका, जो मतलब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चल रहा है, जो कि स्टॉक में आराम से मिल जाएगा RTX 3070, जो कि इस पीसी के लिए बेस्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है और बहुत ज़्यादा यूनिक भी है RTX 3070। तो आज इसका ही पूरा पीसी बिल्ड करेंगे, जिसकी तो ओवरऑल कॉस्ट पड़ेगी आपको पड़ेगी 1,25,000 के अराउंड कॉस्ट आपको पड़ जाएगी। SMC में मिलेगा आपको, बेस्ट टू बेस्ट डील मिलेगी, बस GST पेड, तो कुछ GST पेड भी नहीं होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक वगैरह करते हो ना तो आपको मोटिवेशन मिलती है आपको ऐसे और वीडियो डालने के लिए। स्पेशल अपने नेहरू प्लेस आता हूँ, वीडियो डालता हूँ, तो आपको भी लाइक कर देना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी कर देना, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और बाकी नीचे कमेंट्स भी कर देना मैं थॉट्स, वीडियो कैसी लगी। अब बात करते हैं फटाफट पीसी की, तो पीसी की बात करते हैं तो पहली बात आती है इसकी आपके ग्राफिक्स कार्ड की। हमने से ग्राफिक कार्ड लगाया है, वो लगाया है हमने RTX 3070, जो कि आपको मिलता है 256 बिट्स का, 8GB का ग्राफिक कार्ड है, और साथ ही साथ ये आता है GDDR6 रैम के साथ। आईचिल कंपनी का आपको मिलेगा, 3 साल की वारंटी मिलेगी NO3D। 4K रेजोल्यूशन, 4K में आराम से रीडिंग वगैरह करना, OC ओवरक्लॉक है, RGB लाइटिंग है, सब कुछ लोगों को मिलेगी बढ़िया। तो ये हमने लगाया अपना ग्राफिक कार्ड। बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर हमने इसमें लगाया है, वो हमने लगाया है आपका राइजन 3700X, जो कि इस PC की सबसे बेस्ट आपको मिल जाएगा परफॉर्मेंस वाइज। 3700X है AMD का, तो आपको पता ही है परफॉर्मेंस को कैसी मिलेगी इसमें। तो बाकी इसके अलावा इसमें आपको PCIe 4.0 रेडी मिल जाएगा, जो कि आपको मतलब अच्छे से मतलब परफॉर्मेंस दे देगा आपको। बाकी इसके अलावा प्रोसेसर के अलावा हम बात करते हैं इसके मदरबोर्ड की। जो तो मदरबोर्ड लगाया है वो इसमें लगाया है MSI की तरफ से आने वाला B550 Tomahawk Edition, जो कि आपको बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। MSI का है मदरबोर्ड, आपको बताइए कैसे मदरबोर्ड अच्छे से बनाती है। तो इसमें हम लगा रहे हैं B550, जो कि आपका PCIe 4.0 सपोर्ट भी करता है, फ्यूचर प्रूफ आप रहेगा। तो बाकी Tomahawk Edition है, कोई परफॉर्मेंस कोई दिक्कत देगा नहीं, बेस्ट इसमें आपको मिल जाएगा। बाकी मेनली इसके लिए आता है आपका NVMe ग्राफिक्स कार्ड सपोर्ट करता है। और बाकी बात करते हैं हम इसके अपने पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई जो मैं इसमें लगाया, मैंने लगाया 750 वोल्ट्स का 80+ ब्रॉन्ज की तरफ से आता है, NTEC का हाई करंट गेमर वाला, बहुत बढ़िया पावर सप्लाई इसके हिसाब से, मोर देन इनफ है, बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देगा। तो ये इसके पावर सप्लाई की बात होगी, ग्राफिक्स कार्ड आपका हो गया 3070, प्रोसेसर 3700X। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट इसकी आपकी कि हम रैम की, तो हमने जो रैम लगाई टोटल हमने कही 16GB की रैम डुअल चैनल के साथ आएगी आपको 8/8 की 2, जो कि इस पीसी के लिए मोर देन इनफ है। अगर आपको और चाहिए तो आप इसमें और भी लगवा लेना, क्योंकि मदरबोर्ड तो उसका भाई बहुत तगड़ा वाला, 16/32 लगानी हो तो आप थोड़े पैसे बढ़ा के उसको 32GB कर सकते हैं। तो फिर इसमें भी लगाइए 16GB की रैम, और आई बटन में क्लिक कर देना ऐसे भी और देखनी हो। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्टोरेज की, तो स्टोरेज में हमने इसके लिए हमने मेन स्टोरेज के लिए हमने लगाई है इसमें हार्ड डिस्क 2TB की, सीगेट की तरफ से WD की तरफ से कुछ कोई भी मिल जाएगी आपको अच्छी लगे आप वो ले लेना। तो 2TB की हमने इसमें लगाई है हार्ड डिस्क। और बात करते हैं फोर इसकी बूटअप फास्ट करने के लिए इसमें SSD की, तो SSD हमने जो लगाई है A Data की तरफ से आने वाली M.2 वाली, हमने इसमें लगाई है SSD जो आपको मिलेगी 240GB की M.2 वाली, जो कि मतलब बहुत फास्ट होती है ऐसा मतलब साटा। इसलिए कैबिनेट की कैमरे में लगाया है एंडफोर्स की तरफ से आने वाला 511 वाला मॉडल, जो कि आगे भी 3 इंच देता है, अच्छे से मैच वाली फील वो देता है, और एयर वेंटिंग उसमें बेस्ट मिलती है। तो कैबिनेट भी हो गया, तो विद दैट वीडियो को एंड करते हैं। पूरा पीसी भी लगभग हो गया अराउंड 1,25,000 का हो गया, बाकी कोई एग्जैक्ट प्राइसिंग जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह मिल जाएगा, आप पूरा उसको पूछ सकते हैं कि अगर कोटेशन वगैरह आप ले सकते हैं।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, हमें थॉट्स वगैरह चाहिए कमेंट्स भी कर देना और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, यहाँ पर यूजर बाहर है, कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप उधर नेक्स्ट से पूछ सकते हैं, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन नंबर वगैरह मिल ही जाएंगे। तो टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को और भी मिलती रहेगी, बहुत सारा कंटेंट बना चुका हूँ मैं, तो बस थोड़ा वीडियो को लाइक वगैरह कर दो, अच्छे अच्छे व्यूज दो अपने, छोटे मेरे को भी ऑडिशन में और अनुभव साउंड के लिए और ऐसी वीडियोज बनाऊँ। तो टिल देन टेक केयर, वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं, बाय। आपको नेहरू प्लेस से रिलेटेड आपको और वीडियोस देखनी है, यहाँ पे आई बटन में क्लिक कर लेना, आपको यहाँ पे दिख जाएगी नेहरू प्लेस से रिलेटेड और वीडियोस, फटाफट जाओ वीडियो देखो, मजे मारो और सारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट कर देना और इंस्टा में फॉलो कर लेना, यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है जाके फॉलो कर लेना।